दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारत की एकमात्र पब्लिक सेक्टर दूरसंचार कंपनी BSNL की तरफ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल BSNL अपने 4G नेटवर्क के निर्माण के लिए घरेलू विक्रेताओं और सिस्टम इंटीग्रेटेड मॉडल का उपयोग कर रही है। उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि BSNL के 4G नेटवर्क बनाने में सिस्टम इंटीग्रेटर मॉडल और घरेलू विक्रेताओं का उपयोग करने से 4G सेवा शुरू करने के लागत में वृद्धि होगी और इससे आने वाले दिनों में 4G सेवाएं महंगी भी हो सकती हैं, जिससे कि BSNL अपने प्रतिद्वंदी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 4G नेटवर्क बनाने में सिस्टम इंटीग्रेटर मॉडल और घरेलू विक्रेताओं का उपयोग काफी हद तक अप्रमाणित है। इससे 4G सेवा शुरू करने के लागत में वृद्धि होगी। आपको बता दें कि हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के एक पैनल ने BSNL के 4G सेवा शुरू करने के लिए सिर्फ घरेलू कंपनियों को ही नेटवर्क उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुमति दी है। साथ ही साथ सिस्टम इंटीग्रेटर के तौर पर 50,000 साइट्सों में 4G सर्विस उपलब्ध कराना करीब 8,000 करोड़ में फिक्स हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार सिस्टम इंटीग्रेटर मॉडल में कुछ गंभीर सवाल हैं। माना जा रहा है कि सिस्टम इंटीग्रेटर मॉडल और घरेलू कंपनियों के नेटवर्क उत्पाद आने वाले समय में 4G सर्विस शुरू करने के लिए काफी महंगा होगा। परिणाम स्वरूप 4G के टैरिफ प्लान्स भी महंगे हो सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले समय में BSNL चाहता है कि वो अपने 3G सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दे। BSNL सिर्फ 2G और 4G सेवाएं ही उपलब्ध कराए। हालांकि वर्तमान समय में लगभग सारी प्राइवेट दूरसंचार कंपनियां अपने 3G सेवाओं को बंद करने में लगी है। सारी कंपनियां सिर्फ 2G और 4G सेवाएं ही उपलब्ध कराना चाहती हैं। BSNL के 4G टेंडर के तौर पर सैमसंग ने भागीदारी ली है। हुआवे और JTE भी भागीदार थी, परंतु भारत चीन सीमा विवाद के कारण हुआवे और JTE को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। घरेलू कंपनियों की बात की जाए तो टेक महिंद्रा हाल ही में BSNL 4G टेंडर के लिए बोली लगाएगी। टेक महिंद्रा ने ITI के साथ BSNL के 4G सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए साझेदारी की है। आशा की जा रही है कि घरेलू उपकरण निर्माता जैसे कि टेक महिंद्रा और ITI के साथ मिलकर BSNL जल्द ही अपने 4G सेवाओं को लॉन्च करेगा। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।